चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। वैसे समझ में आ रहा है कुछ? अगर समझ में आ रहा है मॉडुलस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया करें, कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस सेवन प्लस नाइन, प्लस नाइन है इसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर में तो कभी भी जीरो नहीं होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो होगी नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन इज ऑल रियल नंबर। हर सवाल के अभी तक डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। हाँ, रेंज में थोड़ा सा चेंज है, तो रेंज का देखते हैं सब क्या है रेंज में। तो रेंज के लिए वी नो दैट, क्या नो दैट, कि एक्स प्लस सेवन जो मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है साहब। इसमें नाइन जोड़ दीजिए, फंक्शन बनाऊंगा मैं बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन बनाऊंगा, अभी कोई चेंज नहीं होगा इसका रिवर्सिबल साइन का, नहीं ना। इसका साइन चेंज जब ही होता है इनइक्वालिटी का, जब हम माइनस नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने तो नहीं करा, या रिवर्स करेंगे, रिवर्स। चलिए बन गया ये नीचे का, लेकिन हमारा तो वन अपॉन में, तो ठीक है साहब इसे रिवर्स अब कर दीजिए रिवर्स। तो एक्स प्लस सेवन प्लस नाइन, जैसे मैंने इसको रिवर्स करा तो इसका साइन वन अपॉन नाइन, तो ये साइन भी इसका रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, वाई, आप देख लीजिए वाई बन गया और साइन बन गया दिस, ठीक है। ठीक, एक कंडीशन इसमें है, आप इसमें वन इसके नीचे कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ जीरो के नज़दीक पहुँचेगा, जीरो के नज़दीक पहुँचेगा, जीरो होकर नहीं देगा ये, वन पॉइंट जीरो 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 होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी इसकी वैल्यू वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मेरी ये आई, अब मैंने आपको पहले सवाल में कहा था इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो वाई ग्रेटर देन जीरो और वन अपॉन नाइन से छोटा, मैंने नंबर लाइन तो दिखाया था, फिर दिखा देते हैं, देखिए फिर देख लीजिए ये जीरो है और ये वन अपॉन नाइन है, जीरो कह रहा है इधर को जाऊंगा मैं आखिर तक इनफाइनाइट तक, और ये कह रहा है मैं इधर से जाऊंगा यूं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, जीरो से वन अपॉन नाइन, वन अपॉन नाइन लेंगे, डबल साइन है लेंगे, जीरो लेंगे, जीरो पे केवल सिंगल साइन है तो जीरो नहीं लेंगे। तो ये आई वाई बिलोंग टू, ये आपका इस क्वेश्चन की रेंज आ गई, आ गई। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिए, फिर मैं माइनस वाले कराऊंगा। देखिए पॉजिटिव है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर आएगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब रेंज के लिए आइए, क्या करेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स माइनस सेवन का जो मॉडुलस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। चलिए साहब इसे प्लस नाइन जोड़ दीजिए, तो एक्स माइनस सेवन प्लस नाइन, बो साइड नाइन जोड़ दिया, ये आ गया इनक्वालिटी के, कोई मामूली सवाल है, कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ तो रिवर्स है, तो इसे रिवर्स कर दीजिए, वन अपॉन में कर दीजिए, जैसे रिवर्स करेंगे तो ये साइन इसका भी रिवर्स हो जाएगा, ये क्या बन गया वाई, वाई लेस देन वन अपॉन नाइन, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज क्या है, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी, चाहे जरा सी बड़ी हो, जीरो से बड़ी होगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगी तो क्या होगा, वाई कह रहा है जीरो से बड़ा और ये कह रहा है वन बाई नाइन, तो वन बाई नाइन से जीरो, जीरो लेंगे नहीं, ये लेंगे हाँ, तो ये आई वाई बिलोंग टू, ये रेंज आई सब आपकी, क्लियर। अब तो समझ में आ गए इस तरीके के सवाल। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल सिखाएंगे जिसमें यहाँ नेगेटिव आएगा, बहुत टेक्निकल, ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपने कहीं देखी नहीं होगी, अभी देखिएगा कैसे निकाल के लाएंगे, मज़ेदार टेक्निक। चलिए